नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और रुख करते हो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस का। अयोध्या में एक बार फिर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल देखी गई। राम मंदिर समर्थक मुस्लिमों ने राम मंदिर कार्यशाला में पहुंचकर तराशे गए पत्थरों में लगी काई को साफ किया और मुस्लिमों के साथ अयोध्या के संत महंत भी पत्थर की सफाई करते नजर आए। यही नहीं, राम के सम्मान में मुस्लिम भी मैदान में घोष के साथ तिरंगा लेकर कार्यशाला में लहराया गया। और इस दौरान मंदिर समर्थक मुस्लिम बबलू खान ने कहा कि जितना हिंदू का राम पर हक है उतना ही हक मुसलमानों का भी है। कुछ कट्टरपंथी लोग समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं। लोक सेवा आयोग से चयनित होकर आए खंड विकास अधिकारियों का ओपन ट्रांसफर के साथ ग्राम विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह के हाथों से नवनियुक्त बीडीओ को नियुक्त पत्र दिया गया। और ग्राम विकास मंत्री ने सभी चयनित 16 प्रोन्नत सहायक अभियंताओं को भी च्वाइस पोस्टिंग दी। इस मौके पर मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि बिना किसी सिफारिश और दबाव के पारदर्शी तबादले और नियुक्ति की गई है। साथ ही ये भी कहा कि को किसी से सिफारिश और गुजारिश करने की जरूरत नहीं है, ओपन ट्रांसफर सबके लिए है। ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिस्ट लगा दी गई है, ब्लैक बोर्ड पर सबको उसी के आधार पर अपनी सहूलियत के हिसाब से मौका दिया जा रहा है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज आए दिन किसी न किसी मामले को लेकर सुर्खियों में रहता है। इस बार मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस फाइनल प्रोफेशनल सप्लीमेंट्री एग्जाम्स पार्ट टू में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय की तरफ से बनाए गए मेडिसिन विभाग के परीक्षण पैनल में फर्जीवाड़ा किया गया है। विभाग अध्यक्ष के नाम से आए विश्वविद्यालय के सील बंद लिफाफे को खोलकर पैनल में छेड़छाड़ कर एक शिक्षक का नाम भी बदल दिया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामला संज्ञान में आते ही परीक्षा पर रोक लगा दी है और जांच के आदेश दिए हैं। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में ये परीक्षा 23 जुलाई को संपन्न हुई है और इस बीच विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक की ओर से एमबीबीएस की प्रायोगिक एवं मौखिक परीक्षा के परीक्षकों का पैनल जारी किया गया। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी भ्रष्टाचार नहीं थम रहा। ऐसा ही एक मामला बदायूं में देखने को मिला, जहां रिश्वत लेते हुए चकबंदी लेखपाल को एंटी करप्शन ने रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी चकबंदी लेखपाल का नाम दुष्यंत बताया जा रहा है। शिकायतकर्ता की शिकायत पर थाना उभती क्षेत्र में स्वरूपपुर गांव में देर शाम से रिश्वत लेते पकड़ा गया। लेखपाल ने पैमाइश के नाम पर 8,000 रुपए वसूले। फिलहाल आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दिल्ली एम्स में आग लगने के बाद अब सुरक्षा को देखते हुए लखनऊ के हॉस्पिटल में फायर जांच होना शुरू हुई है। वहीं लखनऊ के केजीएमयू में एसीएम 2 ने फायर विभाग और पुलिस के साथ प्रशिक्षण किया। आपको बता दें कि लखनऊ के केजीएमयू में प्रदेश से मरीज आते हैं और केजीएमयू का इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर में मरीजों की भीड़ लगी रहती है। अजय राय एसीएम 2 ने प्रशिक्षण कर देखा कि केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में आग से बचाव के क्या साधन हैं। आग से बचाव के लिए फायर पंप हाउस, आग से बचने के साधन पाइपलाइन और फायर सेंसर काम कर रहा है कि नहीं, इन तमाम चीजों की जांच पड़ताल की गई। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। यूपी पुलिस इसी क्रम में गाजियाबाद में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। थाना लोनी की चिरोड़ी और पुलिस चौकी क्षेत्र के गांव खरखड़ी फाटक के पास मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में दोनों ही तरफ से फायरिंग हुई, जिसके जवाब में लोनी पुलिस ने भी बदमाशों पर गोलियां चलाई। गोली से एक बदमाश घायल भी हुआ, जबकि दूसरे साथी इकरार ने भागने की कोशिश की, जिसे लोनी कोतवाल विजेंद्र सिंह ने भड़ाना ने दौड़कर पकड़ भी लिया। बदमाश इमरान पर 25,000 का इनाम बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने तमंचा बरामद किया। जिले में हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला बागपत जनपद के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के हिलवाड़ी गांव का है, जहां पर खेत में काम कर रहे भाई गुड्डू और बहन रेखा लगभग आधा दर्जन बदमाशों
ने उन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में महिला रेखा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला का भाई गुड्डू फायरिंग में गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल को सीएचसी बड़ौत में भर्ती कराया गया, उपचार जारी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतिका का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बेटी को डोली में बिठाने से पहले हर माँ बाप अपनी हैसियत के से ज्यादा दान दहेज बेटी के ससुराल वालों को देता है, ताकि ससुराल में उनकी बेटी हमेशा खुश रहे। लेकिन कुछ दहेज लोभी ससुराल वाले दिए दान से खुश नहीं होते और दहेज की मांग करने लगते हैं। मांग पूरी न होने पर नवविवाहिता को मार डालते हैं। और ऐसा ही एक मामला बिजनौर में देखने को मिला, जहाँ दहेज लोभियों ने एक और विवाहिता को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें, परिजनों के साथ मिलकर लक्ष्मी को जहर देकर मार डाला। उधर पुलिस सोनिका के पति सहित तो उसके परिवार के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की कार्रवाई कर रही है और मृतिका की सास को हिरासत में लिया गया है। बाकी आरोपी घर से फरार है। हाथरस में जायदाद के लालची कलयुगी बेटे ने बूढ़ी मां के साथ मारपीट की, धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। कलयुगी बेटे द्वारा की गई बूढ़ी मां के साथ मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वृद्ध महिला ने अपने कलयुगी बेटे के खिलाफ थाने में तहरीर देकर पुलिस शिकायत भी की। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। आपको बता दें कि कलयुगी बेटे द्वारा बूढ़ी मां के साथ मारपीट किए जाने का पूरा मामला हाथरस जिले के थाना कोतवाली हासान क्षेत्र के नवाबपुर गाँव का है। कानपुर देहात में कानपुर नगर की आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी कर देशी अवैध शराब बरामद की है। खास बात यह है कि अवैध रूप से देशी शराब का गोरख धंधा चल रहा था। स्थानीय पुलिस की ओर से जिले के आबकारी विभाग को खबर नहीं थी। जाहिर है, महज एक साल पहले कानपुर देहात में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हुई थी। बावजूद इसके कानपुर देहात प्रशासन चैन की नींद में सो रहा है और नगर की टीम छापेमारी कर अवैध शराब बरामद कर रहा है। कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कानपुर नगर के आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी कर अवैध रूप से बेची जाने वाली देशी शराब के सैकड़ों कार्टन बरामद किए। मऊ जिले के एक गांजेबाज दारोगा का गाली देते हुए वीडियो वायरल हो रहा है और इस वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए एसपी अनुराग आर्य ने जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कही है। वीडियो डोहरीघाट थाने के मादी सिपाही चौकी के प्रभारी पन्नालाल का है। उनके पास एक फरियादी जमीन विवाद की कार्रवाई का पता करने के लिए चौकी पहुंचा था। दारोगा पन्नालाल ने फरियादी को जमकर गालियां सुनाई और इसके बाद दारोगा का वीडियो मोबाइल में कैद हो गया, जो कि अब वायरल हो रहा है। खबर श्रावस्ती जिले से है। कोना थाना क्षेत्र में राप्ती नदी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव कहीं से बहकर आया था जो नदी के बीच रेत में फंस गया था। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना कोना पुलिस को दी। सूचना के काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में एक शख्स ने अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंधों का आरोप लगाते हुए एक पूर्व प्रधान को गोली मार दी। घटना तियोरिया थाना क्षेत्र के गांव बड़हरा की है। बताया जा रहा है कि राम रतन ने इस वारदात को अंजाम दिया और कुछ वक्त पहले 29 वर्ष के कारावास की सजा भुगतने के बाद घर वापस लौटा था। आरोप है कि राम रतन को हाल ही में अपनी पत्नी और पूर्व प्रधान के बीच रिश्तों का पता चला था और इसके बाद उसने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल पूर्व प्रधान को पुलिस ने पहले ही जिला अस्पताल पहुंचाया। हालत बिगड़ने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। सरकार के लाख कोशिशों के बावजूद तीन तलाक का मामला थम नहीं रहा। ताजा मामला सीतापुर के थान खैराबाद इलाके का है, जहां एक महिला को पति ने तलाक दे दिया। महिला का कहना है कि मेरी शादी 1.5 वर्ष पूर्व सिधौली इलाके में हुई थी और मेरे पति दहेज के लिए आए दिन प्रताड़ित करते हैं। दहेज की में 1.5 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, जो कि मेरे पिता ने नहीं दिया। उसी को लेकर आए दिन मारते पीटते हैं। मुझे 3 तलाक दे दिया और तलाक देने के बाद मारपीट कर घर से भगा दिया। वैसे तो बाढ़ से कई प्रदेशों में लोग परेशान हैं। अम्बेडकर नगर में भी घाघरा नदी के कारण निचले कई गांव एक दूसरे
से कट रहे हैं। अंबेडकर नगर जिले के आलापुर तहसील क्षेत्र में ग्रामीणों को बाढ़ के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं को परेशानी हो रही है। कमर भर पानी में घुसकर स्कूल जाने को मजबूर हैं और ये छात्र छात्राएं कपड़ा बदलकर पानी को पार करती हैं और फिर ड्रेस बदलकर स्कूल ड्रेस पहनकर जाते हैं। आपको बताते चलें कि यहाँ के स्थानीय लोग वर्षों से एक पुल की मांग कर रहे हैं। घाघरा नदी अपने उफान पर आज चल रही है तो निचले गांव में पानी भर जाता है। जब जब ये नदी उफान पर होती है कई गांव एक दूसरे से कट जाते हैं और आने जाने में लोगों को दुश्वारियां होती है। खबर संभल से है जहां संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हो गई। मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आरोपी ने पहली पत्नी रहते दूसरी युवती से विवाह कर लिया था। एक साल पहले हुई थी मृतिका की शादी और पारिवारिक कलह बताई जा रही थी वारदात की वजह। चंदौसी कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। हरदोई की पाली पुलिस ने जिले से लेकर हरियाणा तक अवैध असलहों की तस्करी करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक लग्जरी कार, 13 अवैध असलहे, 10,000 की नकदी के साथ भारी मात्रा में अर्धनिर्मित असलहे और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। सभी को मुखबिर की सूचना के बाद गिरफ्तार किया गया। मामले का खुलासा करते हुए SP पश्चिमी त्रिगुण अभिषेक ने बताया कि जिले के पाली थाना क्षेत्र के मुंडरा मोतीराहे पर 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई। उनकी निशानदेही पर भरखनी ब्लॉक में माखन की बगिया से मकान से भारी संख्या में अवैध शस्त्र बरामद किए गए। अयोध्या में हुई युवक रामनंदन सोनी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फरार 2 आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि उमंग गुप्ता ने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए अपने परिजनों के साथ मिलकर युवक रामनंदन सोनी की ईंट से कूदकर हत्या की, गले पर ब्लेड से वार करके मौत के घाट उतार दिया। लखनऊ की विकास नगर पुलिस और क्राइम ब्रांच को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। विकास नगर पुलिस और क्राइम ब्रांच ने 15,000 का इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के समय बदमाश के पास से 1 किलो मॉर्फिन, 1 तमंचा, 4 कारतूस बरामद हुए हैं। बदमाश के पास से लूट की 15 चेन भी पुलिस ने बरामद की है। मॉर्फिन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए आकी जा रही है। कासगंज कोतवाली क्षेत्र में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक बाइक सवार अधेड़ को टेम्पो ने टक्कर मार दी जिससे अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने अधेड़ की जिला अस्पताल किसी तरह पहुंचाया। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधेड़ की मौत की खबर से उसके घर में कोहराम मच गया। जालौनी पुलिस ने लूटपाट के मामले में फरार चल रहे 25,000 के शातिर इनामी को गिरफ्तार किया। रामपुरा थाना क्षेत्र में लूट की वारदात को अंजाम देने के मामले में 5 युवकों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था जिसमें 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले का मुख्य आरोपी मनीष दोहरे फरार चल रहा था और उसके विरुद्ध पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। फरार चल रहे आरोपी को उरई कोतवाली पुलिस ने राजेंद्र नगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी को जेल भेज दिया गया। राजधानी के विकास नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1 किलोग्राम स्मैक बरामद की जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। राज्य पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि 18 और 19 अगस्त की मध्य रात्रि थाना विकास नगर और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने सूचना के आधार पर शातिर अपराधियों संदीप उर्फ छोटू दिनेश रावत को गिरफ्तार किया। इनमें से संदीप पर इनाम घोषित था। प्रवक्ता ने बताया कि गिरफ्तार बदमाशों के पास से लगभग 1 करोड़ रुपए मूल्य के 1 किलोग्राम अवैध स्मैक, लूट के 16,750 रुपए नगद, लूट का मोबाइल फोन, लूट की 15 सोने की चेन, 1 तमंचा, 315 बोर और 4 कारतूस बरामद किए। प्रधानमंत्री द्वारा स्वस्थ भारत मिशन के तहत गांव में शौचालयों को बनवाकर अधिक से अधिक गांवों को ODF की सूची में दर्ज कराने की बात जरूर की जाती है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है।
ऐसा ही एक मामला रायबरेली में देखने को मिला, जहां सूची गांव में कागजों पर शौचालय बनवाकर ओडीएफ की लिस्ट में शुमार करने का तो जरूर डाला गया, जिसको लेकर नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर डीपीआरओ सहित ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी के खिलाफ उच्च अधिकारियों से जांच की मांग की। खबर हाथरस से है, पुलिस ने महिला की हत्या की गुत्थी को 24 घंटों में सुलझाया। वहीं पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए कहा है कि मृतका पूरन देवी के हत्यारे उसके पति संजय बघेल और उसकी प्रेमिका गीता को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बालापट्टी में निवासी संजय के उसी की पड़ोस की रहने वाली एक महिला से अवैध संबंध थे, जिसके चलते संजय ने अपनी पत्नी पूरन देवी की गला घोटकर हत्या कर दी, फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने संजय और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश में बच्चा चोरी करने की अफवाहें थमने का नाम नहीं ले रही। आए दिन कई घटनाएं सामने आती हैं। कासगंज के ढोलना कोतवाली क्षेत्र में ग्रामीणों का बवाल देखने को मिला। ग्रामीणों ने बच्चा चोरी का आरोप लगाकर दो युवकों को जमकर पीट दिया। आक्रोशित ग्रामीण यहीं नहीं थमे, ग्रामीणों ने युवकों की वरना कार को भी आग के हवाले कर दिया। दमकल की गाड़ी ने आग पर बमुश्किल काबू पाया और इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस बल तैनात कर दिया गया। ढोलना कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। सीतापुर के तंबौर थाना क्षेत्र के सबसे व्यस्ततम रहने वाले इलाका पुरानी बाजार में पुराने थाने के पास सड़क पर दुकानें लगती हैं और सब्जी व फल लगाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। सूचना पाकर तंबौर पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों पक्षों को शांत कर वापस चली गई। पुलिस के जाते ही दोनों पक्ष एक बार फिर से आपस में भिड़ गए, मारपीट पर आमादा हो गए। पुराने थाने में ही रहने वाले कुछ आरक्षी मौके पर पहुंच गए, दोनों पक्षों को शांत कराने का प्रयास किया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों के 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और दोनों पक्षों के 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।